ये आंदोलन को कैसे आप आगे करेंगे या फिर खत्म करेंगे? आज भारत का सभी स्टेट का लीडर लोग आए थे जंतर मंतर में जी। जो कि कुछ दिन से थोड़ा बहुत आंदोलन चल रहा था जी। उसका जैसे कि कल हमको खबर मिला कि ट्रांसपोर्टर ने जाके कुछ आलोचना किया है गवर्नमेंट से, उसको मतलब जो लोटा लेने की बात कर रहे थे, लेकिन ये ड्राइवर और गवर्नमेंट का सब प्रॉब्लम है, उसमें ट्रांसपोर्टर आज के क्या करेंगे, ड्राइवर का समस्या कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए आज ये निर्णय लिया गया सारा भारत में आने वाला काल से सभी ड्राइवर भाई को निवेदन रहेगा कि सभी भाई गाड़ी छोड़ के स्टेयरिंग चार्ज आंदोलन शुरू करेंगे, अपना अपना आरटीओ ऑफिस में जाके बैठेंगे या तो भी रोड का किनारे फ्लाइंग कार लेके शांतिपूर्ण भाव से बैठना पड़ेगा। सभी भाइयों से ये मेरा निवेदन है कि सभी ड्राइवर भाई इसको साथ दो, क्योंकि ये काला कानून है तो ड्राइवर का गला घुटेगा मारेगा पूरा। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, उड़ीसा ड्राइवर मास्टर हूँ। हम लोग तो आज अयोध्या के साथ आए हैं, हम सब जो अपने लीडर लोग हैं, बाबा जी जी सब है, तो हमारा ये फाइनल हुआ जो 28 राज्य का जो आदमी लीडर लोग यहाँ पे खड़ा है, तो 28 राज्य का जो लीडर लोग जो फाइनल किया है शांतिपूर्ण धरना है, तो उसको ड्राइवर लोग सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है गाड़ी तुम चलाएगा तो अगले दिन कुछ होगा, उसके लिए संगठन कोई दायी नहीं रहेगा। ये सारा उड़ीसा का, सारा इंडिया का, पूरा ऑल हिंदुस्तान का ड्राइवर को हम निवेदन कर रहे हैं, आप लोगों के जो संगठन जो मिल के जो महामंच क्या है, पूरा मिल के जो फाइनल हुआ है वो बात को मानने पड़ेगा। अगर वो बात को नहीं मान के अगर आप गाड़ी चलाएगा, कल कुछ हो जाएगा, कल कोई प्रॉब्लम में पड़ेगा, उसमें कोई संगठन दाई नहीं रहेगा। ये हम लोग हाथ उठा दिया, तो उसको मानने पड़ेगा सबको, ऑल ओवर हिंदुस्तान सबको मानने पड़ेगा ये जो नियम को। जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ से आया हूँ, हुआ है और अभी हमारा मीटिंग भी हुआ है। इस मीटिंग पे यह बात तय हुए कि जो आंदोलन जारी किया है ड्राइवरों ने, यह आंदोलन हमारा नहीं है, आंदोलन ड्राइवरों का है। ड्राइवरों ने जो आंदोलन चालू किया है वो आगे भी चालू रहेगा, इसको हम सारे संगठन समर्थन देंगे। तो कल से ड्राइवर साथियों से यही आग्रह है कि स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन करो और अपने अपने आरटीओ और अपने अपने जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने बैठो और ये आंदोलन शांतिपूर्ण मार्ग से चलना चाहिए, कोई भी हिंसा नहीं होगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी, नागरिक को परेशान नहीं होगी, रास्ता कोई नहीं रोकेगा, शांततापूर्ण मार्ग से आंदोलन चलेगा, ये आज का ये संदेश है। अभी सभी ड्राइवर लोग जो है, अभी जो उनके लिए मैसेज आया था कि ये धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है और जो कानून था वो काला कानून वापस ले चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, काला कानून जो वापस लेने का बात सरकार ने किया, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन निकला नहीं, उसके बारे में सरकार ने एक चिट्ठी तक लिखी नहीं, तो भरोसा किसके ऊपर करे? सरकार ने हमसे बात नहीं की, हमने आज दिन भर धरना प्रदर्शन किया, सरकार का कोई आदमी वहां पर आया नहीं, तो हमसे जब तक बात नहीं होती, हम मतलब देश के 25 करोड़ जनता के ये सब प्रतिनिधि है यहाँ पे आए हुए, देखो देश भर के सारे प्रतिनिधि है, तो ये प्रतिनिधियों से जब तक बात नहीं होती तब तक ये इस बारे में हम पीछे हटेंगे नहीं, ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेंगी और हमारे अन्य मांगे भी इसके साथ में, कम से कम हमारे 5-6 मांगे बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए, तब जाके ये काम बनेगा। अच्छा, किस तरीके से आप इस जो प्रदर्शन को वापस अभी जो कंटिन्यू रखेंगे, जंतर मंतर पे जाएंगे क्या, अलग अलग स्टेट से? अभी अलग अलग स्टेट पे सब लोग जाएंगे, अपने अपने राज्यों में आंदोलन करेंगे और कल से ये आंदोलन उग्र हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, लेकिन शांततापूर्ण मार्ग से होगा, कोई भी हिंसा इसमें नहीं होगी जी। तो कल से जो है ये आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन अपने दिल्ली में जंतर मंतर वगैरह यहाँ पर ऐसा नहीं होगा? नहीं, हम प्रशासन को कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन हमारे सारथी भाइयों को जो है ये कानून वापस लिया जाए और उनकी मांगे जो हमारे उड़ीसा महासंघ के माध्यम से जो 11 डिपार्टमेंट जो मांगी है ना, उनको हमारे को कार्य बिल्कुल पूरा करना पड़ेगा सरकार को, और नहीं तो हमारा चक्का जाम रहेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, बाकी कोई विवाद नहीं होगा, हमारे सब सारथी भाई स्टेयरिंग छोड़ देंगे। जी।